दुर्गा पूजा का क्या कलेक्शन है। अभी निकलने वाले थे और आ गया बारिश, तो थोड़ी देर वेट कर लेना पड़ेगा। वेदर बिल्कुल कभी बारिश कभी धूप ऐसा हो गया है। मम्मी पापा पीछे अम्ब्रेला लेके आ रहे हैं और लग रहा है फिर से बारिश आएगा। क्लाउडी वेदर है। अभी बज रहा है 12:30। हम लोग मॉल में जाके लंच करेंगे। तीनों ही आज नेवी ब्लू कलर का, देखिए सभी ने मैचिंग ड्रेस पहना है आज। पापा का पैंट सिलाई करने देना हो गया टेलर के पास और 1 घंटा बाद आने के लिए बोला है, तो इसी 1 घंटा में हम लोग बाकी सारा शॉपिंग कर लेंगे। तो यहाँ से देखो, चॉइस करो अगर कुछ अच्छा लग रहा है। जाओ पसंद हो कि ना देखो वही जो। हाइट ठीक है, हाइट मम्मी अभी पहन के एक एक करके दिखाएंगे और फिर हम लोग चॉइस करेंगे। तो ये जो शॉपिंग हो रहा है यहाँ पे, मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ मेरे मम्मी को दे रहे हैं, पापा को दे रहे हैं। ये शॉपिंग के साथ साथ मैं मेरे मम्मी पापा को जो दे रही हूँ वो भी हो जाएगा। तो बहुत सारा शॉपिंग एक साथ हो जा रहा है। पहला पहन के आ गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। पसंद आया ये आपको? पापा को भी पसंद आया तो ये वाला हम लोग फाइनली ले रहे हैं। मम्मी ट्रायल कर रहे हैं के बाद एक, और पापा यहाँ पे वेट कर रहे हैं मम्मी का बैग लेके खड़े हैं।
मम्मा का, क्योंकि मम्मी पहन रही है जीन्स और वो भी पहली बार, फर्स्ट टाइम लाइफ में जीन्स पहन रहे हैं और वो भी मेरे कहने से। बहुत दिन से मेरा मन था, सासू माँ को तो पहनाया मैंने, जीन्स खरीद के दिया है, गिफ्ट किया था, पर मम्मी को अभी तक नहीं हो पाया था। जीन्स चॉइस हो गया है, तीन जीन्स लेके अंदर गए हैं। पहला जीन्स जो पहन के निकलते हैं आप सबको दिखाते हैं, उसके साथ एक टॉप भी लिया है, तो देखते हैं मम्मी को पहली बार जीन्स में कैसा दिखते हैं। फिर तो बाद में घूमने जाकर जीन्स पहनेंगे। लग रहा है और टॉप मम्मी को ऐसा देख के पापा क्या बता रहे हैं, बोलो क्या? देखो ठीक से पहले क्या बोल रहा है, एक्सप्रेशन देखिए। पापा ने मम्मी को देखा जीन्स पहन के पहली बार। बताओ कि मम्मी को जीन्स पहन के पहली बार देख के कैसा लगा? तो आपको कोई प्रॉब्लम है मम्मी अगर जीन्स पहनेंगे तो? नहीं प्रॉब्लम है, ओके। और मम्मी को इजी लग रहा है इसलिए पूछ रहे थे, बस पापा को बस पूछ रहे थे। मम्मी जीन्स टॉप फाइनल कर लिया है और ये अभी खरीद रहे हैं और पापा ने देख के हाँ मतलब अच्छा लग रहा है बोल दिया है बस। और दो कुर्ती लिया है, उनमें से एक मदर इन लॉ मम्मी को गिफ्ट कर रहे हैं और बाकी सभी मैं मम्मी को गिफ्ट करूंगी। ये सारा कपड़ा लेना है, शॉपिंग मम्मी का हो गया है, कुछ और शॉपिंग भी बाकी है, तो मैं अभी बिल लिंक कराने चले जा रही हूँ। शॉपिंग का बिल भी हो गया, मम्मी का शॉपिंग हो गया है, अभी जा रहे हैं कुछ नाइट सूट और ये सब खरीदने, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या पसंद आता है। मम्मी का शॉपिंग इतना सारा कुछ हुआ है। अभी पापा के लिए जो पैंट लिया था उसका सिलाई हो चुका है, तो 1 आवर के बाद जाने के लिए बोला था। भाभी जा रहे, लेट हो रहे हैं, अभी बच गया है 2:45 और हमारा लंच अभी तक नहीं हुआ है, तो इसीलिए तुरंत पैंट लेके शॉपिंग के बाद जा रहे लंच करेंगे। और हो गए हैं ऑफिस में, इसीलिए मम्मी पापा के साथ मैं ही आई हूँ। अभी लंच के लिए कहाँ पे जाते क्या खाते आप सबको शेयर करेंगे। बैग भी था ना हमारा, हाँ 2 पीस का देखना, चेक करें। शॉपर स्टॉप से निकल गए हैं, सारा शॉपिंग शॉपर स्टॉप से हुआ है, अभी जल्दी जल्दी जा रहे हैं लंच के लिए। 3 बज गया है तो खाना भूख भी लग गया है बहुत जोरों से। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया है नीहा से सिजलर्स और यहाँ से टैको बेल से ऑर्डर किया है नेकेड चिकन टैकोस। तो ऑर्डर आने के बाद आप सबको खाने में दिखा दे क्या लिया है। टैको रेडी हो गया है, टैको ला रहे हैं अभी नीहा का, बाकी है नीहा से लाएंगे। तो बहुत ही भूख लग गया है, ये है टैको नेकेड चिकन टैको बेल, ये नया ट्राई कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। मम्मी ला रहे हैं सिजलर्स, यहाँ पे एक तरफ सिजलर्स है एक तरफ टैकोस है, अगर
और भी खाना चाहिए तो बाद में ऑर्डर करेंगे, पहले ये खा के देखेंगे कि पेट भरता है कि नहीं हम सबका। बहुत भूख लग रहा है, जल्दी जल्दी खाने में बैठ जाए। चिकन सिजलर्स लिया है, थोड़ा स्पाइसी है पर बहुत ही टेस्टी होगा। इसमें बहुत सारा कुछ है, ब्रोकली, चिकन, मशरूम, वेजिटेबल्स, बेल पेपर, बहुत सारा कुछ है यहाँ पे, कैप्सिकम, फ्राइज है, पोटैटो फ्राइज। अभी जा रहे फ्रोजन स्टोन जहाँ से आइसक्रीम लेंगे। अभी बनाएंगे यहाँ पे नट्स ओवरलोड, जिसके लिए लिया जा रहा है यहाँ पे बटर स्कॉच आइसक्रीम और वनीला आइसक्रीम, इसमें रखा जाएगा। बन गया है कोल्ड कॉफी। मैं यहाँ से खाऊंगी। पहले नॉर्मल कोल्ड कॉफ़ी बहुत पी है, हेजलनट फ्लेवर का कोल्ड कॉफ़ी पहली बार टेस्ट किया, बहुत अच्छा लगा। आइसक्रीम कैम खाते लग लो? आइसक्रीम बहुत अच्छा लगा। आलो कहते हैं क्रांति। पसंद हो तो फैब इंडिया से एक शर्ट पापा को पसंद आया है तो ये वाला फाइनल किया है। साड़ी भी बहुत सुंदर लग रहा है और मम्मी थक के बैठ गए हैं। यहाँ पे ब्लाउज का डिज़ाइन और कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, फैब इंडिया का बहुत ही अच्छा कलेक्शन। फैब इंडिया से अभी शॉपिंग कर लिया। আমার এই ইউনিকর্নগুলো পছন্দ, অনেক দাম।
यूनिकॉर्न मुझे बहुत ही पसंद है, मुझे एक यूनिकॉर्न चाहिए था। पापा मुझे कि हैमलीज में आए हैं, दे रहे हैं मुझे गिफ्ट। यूनिकॉर्न नहीं है, एलिफेंट नहीं है। तो देखिए अभी यहाँ पे ये पसंद किया है। खाने के लिए रेस्टोरेंट में अभी मम्मी पापा को ऊपर लॉजिक मॉल का सबसे ऊपर वाला फ्लोर घुमाने लाए हैं, जहाँ पे बहुत सारा रेस्टोरेंट है। देखो चारों तरफ मम्मी पापा को ऊपर आके बहुत ही अच्छा लगा। मुझे पता था दिन में जो इतना सुंदर व्यू है, रात में इसका अलग व्यू हो जाता है। आप सबको पता ही होगा नाइट लाइफ और जो लाइट होता है वो अलग हो दिखने में लगता है। फोटो शूट करेंगे कुछ। दुर्गा पूजा से पहले स्काई का जो व्यू होता है ना, बहुत ही सुंदर होता है। ये मम्मी का फोटो शूट चल रहा था, यहाँ पे फोटो का पोज देके खड़े दोनों ही। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा कटा। अगर आप सबको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।